यार खाते वक्त शिकार आना ना बड़ी दिक्कत होती है अगर मुझे छत चढ़ के देखो बराबर कियो कैसे आए। मेरी होने वाली शादी, मेरे को चाहिए पूरे प्रोग्राम फिक्स, वो भी पुराने स्टाइल में। आ तो हमारा बनना बननी लेके दो दो पूरी खाना। शरम चिल्ली कॉलेज में जाए IAS बन PCS बन, हमारे चिल्ली चुप है चुप है खड़ा बनना। रद्दू को क्या सोचूंगा, हमें ताले की होम डिलीवरी देने जा रहे हैं दुकान से पेट्रोल। हैप्पी कस्टमर। मॉर्निंग है दोस्तों, नए दिन की नई सुबह की नई शुरुआत में आप सभी का स्वागत है। पहाड़ों में शानदार धूप नहीं खिली है क्योंकि आज हो रही है शानदार बारिश। और यहाँ मेरे सामने का व्यू देखो, ये जो पूरा एरिया आपको दिखता था कल तक, आज पूरा देखो किस तरीके से बारिश की वजह से। लेकिन ये क्या फसल के लिए भी अच्छी बात है और हम लोग के लिए अच्छी बात है क्योंकि अब गर्मी आ रही है। तो बहरहाल यार चलते हैं थलके बाजार की ओर और फिर मिलते हैं आप सभी। बाकी यार आज जो हमारी यूट्यूब की साथी है छोटी बहन है गीत खाती ब्लॉग्स, उनके दादाजी का देहांत हो गया है तो भगवान पुण्य आत्मा को शांति प्रदान करें और परिवार के प्रति हमारी शोक संवेदनाएं हैं। बाकी आज के जो रूटीन में है, गांव पे ही एक पूजा है तो वहां पे खाना खाने के लिए आएंगे, क्या कुछ होता है आपको दिखाते हैं। तो बहरहाल चलते हैं हल्के बाजार की ओर, मिलते हैं थोड़ी बात, अब तक ले बने रहिए, बाय बाय टेक केयर। चलो चलते हैं, हस्सी कर दे बाबू हस्सी, बाय बाय। खाने के 1 बजे 2 चलो ठीक है। तो यार दोस्तों आज जो मैं बता रहा था पूजा है उसका खाना 1 या 2 बजे बनना है तो बढ़िया डिक्लेयर है कि मेरा गांव में एक ही काम होता है जिसमें खाना बनता है उसी वक्त जाता हूँ उससे पहले। तो यार दोस्तों सौरभ जोशी की तरह आज एक रिव्यू मैं भी देता हूँ। सौरभ जोशी एमएलए अच्छा एमएलए यूट्यूब फैमिली से बड़ा आ रहा है दिक्कत, खैर मजाक जोक सपाट। तो मैं कह रहा था यार मैं S22 Ultra मैंने यूज किया, iPhone 12 यूज किया, अभी रिसेंटली S23 Ultra यूज कर रहा हूँ, iPhone 14 Pro यूज कर रहा हूँ। यार मेरा एक ही कंक्लूजन है, एंड्रॉयड भले मतलब 1 करोड़ का फोन निकाल दे, जो iOS है ना, जो एप्पल के फोन है वो एप्पल है यार। जहाँ पे मतलब मेरे को कोई चीज शूट करनी होती है ना, मतलब जहाँ पे 1 या 2 सेकंड का आपको समय मिलता है तुरंत सेट शूट खेल खेल भर मतलब रिकॉर्ड करने वाली स्थिति, वहाँ पे सैमसंग हमेशा बीट हुआ है, हमेशा इसने मुझे नाराज किया है। लेकिन आईफोन भाई साहब जो तुरंत मतलब काम करता है ना, वो तुरंत वाला मतलब क्विक एक्शन, अगर आपको चाहिए हैंग वाली प्रॉब्लम नहीं चाहिए तो वो भैया उसमें बिल्कुल सही है आईफोन में। वेट आई रिप्लाई यार तुमने अपडेट नहीं मारा था, ये नहीं क्या सब किया है, सब जितने अपडेट होते हैं सारे अपडेट मारे हैं, जितने अपडेट कंपनी ने नहीं किए हुए सारा अपडेट मार देंगे मैंने, लेकिन फिर भी हैंग वाली प्रॉब्लम वही दोबारा आई जाती और ऐसा कुछ है। हमारे भांजे आए हैं दुकान में, जीते रहो। क्या ये चाहिए, क्या चाहिए, मैं चाहिए ये क्या चाहिए, लो ये पकड़। यार दोस्तों तो यार अपनी जो दुकान है यहाँ पे आपको इस तरीके के फ्रेम भी मिल जाएंगे, इंस्टेंट भी मिल जाएंगे, अगर आप कुछ देर का हमें समय देते हैं तो इस तरीके के आपको फ्रेम भी मिल जाने हैं। तो अगर कोई लोग अगर फ्रेम चाहेंगे आप इंटरेस्टेड हैं तो देखिए, और फ्रेम का प्रॉपर काम भी हो रहा है। और आज हमारे बिंजू थलकी बाजार आए दुकान में कुछ काम कराने, अब बिंजू और भांजे के आदि तो बारिश है गई हो, मतलब शकल शकल में भी डिपेंड करता है ना यार, जैसे बिल्ली एक आदि माँ कहाँ मैर छो
आप भिंजो है सीधे बारिश लेके आए अपनी ओर। जय दिन ब्याह भी हो उस दिन भी आफत ही निकाली आपने हमारी। तीन दिन बारिश हुई आपकी मेहंदी में हल्दी में सगन तो छोड़ा हो। चलो 10 मिनट बारिश हो 1 घंटे 2 घंटे सगन भी हो 3 दिन रक्षाट वाल बारिश है सगन न गुण। तो आप कॉमेंट सेक्शन में बताओ बहन नहीं तो आपकी ओर से हमारी बहन तो बहुत शांत है। तो ये जितनी पेंटिंग्स आपको देख रही है हैंडमेड पेंटिंग है। तो प्रत्येक पेंटिंग अपने आप में कुछ ना कुछ कह रही है। जैसे ये फूल कह रही है कि मेरे से टाइम से शादी कर ले मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। ये वाले सौहार्द के प्रतीक ये परेशान है घर से। तो लंबी है कैसे हो बस क्या लेने आए फ्री में नहीं मिलेगा। हाँ डायरी बहुत है पुमा पुमा का है पुमा ये पुमा पुमा। हमें ताले की होम डिलीवरी देने जा रहे हैं दुकान से पेट्रोल पंप के पास पे क्योंकि जो कस्टमर है उनका कहना था अर्जेंट में आप पहुंचा दो तो हम इसमें डिलीवरी चार्ज लेंगे। अब मौसम काफी भयंकर हो चुका है यार काफी खतरनाक। ये है थलकी बाजार और ये है पुलिस थाना। तो अगर आप हेलमेट पहनोगे कुछ नहीं होगा नहीं पहनोगे तो यहाँ जाओगे ऊपर। ये देखो हाँ हेलमेट पहनना चाहिए। देखो पिछले ब्लॉग में हमने आपको बोला था कि हेलमेट पहनना चाहिए इस ब्लॉग में हमने हेलमेट पहना है। हैप्पी कस्टमर लाई नानी रद्दू को क्या सोचो वो तो टेस्टी रहा इतना ठंडा मौसम। चाची है यार परसों बहुत सुंदर गाना गाया इन्होंने अलग है। गोठ में खाना खाना ऐसा होता है ये जानवरों वाला गोठ है तो जानवरों को अक्सर जानवर वाली जगह मिलती है। मैं नहीं ये लोग ये क्या बोल ठंडा ठंडा मौसम और ठंडे मौसम में गरम गरम भात यहाँ पे खाते हैं। आना जल्दी साफ करो इसको गंद ना दिखी में तो थैंक यू। अच्छा अरे यहाँ भी कर ये रसे यहाँ से लेंगे भात भात दे दो। हाँ बढ़िया अलग अलग वाला तो यो वाह यो यार खाते वक्त शिकार आना ना बड़ी दिक्कत होती है अगर गल ठीक है बुआ। अरे मैं नेचुरल बात कह रहा हूँ सच में मेरे मैंने अगर दीदी क्योंकि अगर ऐसा ना कि मैं ज्यादा जोर से ऊपर को करूं वो दगड़ा बदर के लेने चल आराम से करूं तल के बगू मेरे मन के निकाल दे भाई बोल ले करूं था कोई नहीं देगा कोई बुआ जहाँ से आई ठिकाना आया कुछ आई हुआ तो मैं सिधरा। अभी तक सब लोगों ने खाना खाया बारिश आ रही थी इतना भयंकर मौसम हो रहा जैसे मेरे खाने की बारी आई देखो सूर्य देवता साक्षात ये देखा सूप डाल दो मीट तो छोड़ दिया ना सूप ही सूप पीऊंगा बस बस थैंक यू। तो जब टेस्ट कर हाँ उस धुएं से महसूस कर सकते हो आप क्या आनंद आ गया। हाँ हाँ ये दर चुला का लंबा रोट
सब इतनी देखो इतनी तारीफ पूरी जनता रुकी है, अब तो बुआ भी करे देखो। यू नो पेट में आ रहे लेकिन खाप में नहीं आ रहे है, सेम सिचुएशन चाची के साथ। गाओ मुझे छत चढ़ के देखो बराबर दियो कैसे आए, दो चार आए लो पर हजार आए, तो यार मैं प्रोड्यूसर बन चुका हूँ देखो इस तरीके से, मेरे स्पॉट भी आया बढ़िया। और यहाँ पे चलो दो पूरी खाना शरम गाओ अलबू चिल्ली जाना नु है, एक सुन लास्ट सुना दो हम जा रहे हैं। बुआ रुकिए देखो स्कूला पेपर छाड़ बह रहे हैं तो मैं गाना सुनने चलो। को विदान करियो पिताजी, मुझे को विदान करियो, रहूंगी कैसे अब तुमको छोड़ के, संग चाचा संग चाची संग लड्डू गोपाला, विदान करियो गगन में काला बादल छा गया, नीले गगन में काला बादल छा गया, तो हमारा बन्ना बन्नी लेके ये यो बोलिए ये गगन में काला बादल छा गया, नीले गगन में बन्ना बन्नी लेके आ, आज तो हमारा बन्ना बन्नी लेके आ गया। चलो सब बढ़िया गाओ गाओ गाओ, तो हमारा बन्ना बन्नी लेके बोलिए तो दोस्तों मामले की गंभीरता को देखते हैं पे चटाई बुला ली गई है, इस घर चाह बनाऊ बुढ़े बुआ हो ही रहा है इतना, तो चाय बनाओ रख दो यार राजू, हाँ चाय मैं तो पूरा दे, आज तो हमारा बन्ना बन्नी लेके आ गया लेके आ गया क्या। सबको मुबारक मुबारक हो, तो इसको कहते हैं महफिल सजा, मैं इसलिए कर रहा हूँ मेरी होने वाली शादी, मेरे को चाहिए पूरे प्रोग्राम फिक्स, वो भी पुराने स्टाइल में, बोल चूड़िया मैं शेरा बात के आऊंगा, बोल कंगना और ग्वालू जी, तो डीजे जे नहीं बजेगा शादी में ना, इसी का ये बना लगा लियो, तो मैं इन सबको तैयार करवा रहा हूँ, ये शादी यार शादी जैसी चीज है एक बार होती है, तो मैं चाहता हूँ कि आदर्श ग्राम बलतीर से काफी अच्छे मतलब बन रहे गए ये लोग, और बैक टू बैक 5-6 शादियां हमारे गाँव में, ये देखो मेरी गाड़ी में घूमियाली गरुड़ा गाओ घूमियो बस कौशिला देगा घूमियो वो तो हम नाचो आमले नाचे मैं चलो रे आगे आगे बैंड बाजा मोटर कार, बन्नी तू रोती क्यों है बन्ना तेरे साथ, कॉलेज की रोड में वाला सुनने है बोल यहाँ पर बच्ची का, कॉलेज की रोड में वाला गाना काफी फेमस हो चुका है।
एक पहाड़ी वर्ड होता है, जैसे हम कहीं इंग्लिश में पूछते ना, मे आई गो टू टॉयलेट और कुछ भी, मतलब कुछ भी पहाड़ी में अगर तमिल कहते क्या पूछो नोल कू अंदर आना होगा तो ये टिपिकल वर्ड है पहाड़ी। तो यहाँ पे सुना रहे हैं आपको ब्लॉग में रोज नई नई चीजें मिलेंगी। तो बहरहाल प्रभात चाची के मुंह सुनोगे क्या था गाना, कॉलेज की रोड में। बन्ना कॉलेज की रोड में खो, अरे मैं खो चिल्ली कॉलेज में जा IAS बन PCS बन हमार चिल्ली चुप है खड़ा बन्ना कॉलेज की। डायलॉग मजाक है तो कंटेंट है, चलो चुप है खड़ा बन्ना बन्ने की खोज में, हाथ में किताब लेके बन्ने की खोज में। शुर है हाथ में गले है, हाथ में गले है बोल गले में माला है। मैं कोई तू मन क्या लाग रहे यार, चाव पर जाइए भी भाई। नहीं नहीं हमने पीते चीजी नहीं, क्या करो ना तो भले चाव पे चाहगा ऊपर जाके रहने दो यो बब्बा हो बदनाम से नवराज भी हो चाह पी के ना। देखा देखिए हमारी भी रील डाल दो, पिछले की रील डाली थी पुराण वाले जन कर तम तनन थाप मारो तम तनन मारिया, चलो सच्ची जोर से मारो थप्पड़ मारो। मैं मजाक करा दो सीरियस हो गया थप्पड़ तो नहीं, चलो मारो फिर अगली चीज। घड़ी का था इंतजार, वो आ गई यानी कि चाय आ गई, क्या बात है। तो यार दोस्तों फाइनली समय हो चुका है घर से निकलने का। आज यार फिर से बारिश आ चुकी है, मौसम काफी यार खराब होता हुआ और कुछ ऐसा दिख रहा है आगे माहौल देखो। बाकी चलते हैं यार फलकी बाजार की ओर और इस सुहाने मौसम में सुनते हैं कुछ गाने और चलते हैं। ओ भाई साहब गाना भी क्या आया, मतलब और क्या एंड हुआ समझ रहे हो, ये कुछ कुछ कोइंसिडेंस होते हैं मेरे साथ। तो बहरहाल यार एंजॉय करते चलते हैं फलकी बाजार इस सुहाने मौसम में, फिर मिलते हैं आप सभी को।